दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रोफाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 20 जुलाई सन 2024 शनिवार। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी गुरु हर संभव प्रयास करता है कि आपको हर महत्वपूर्ण कमोडिटीज की महत्वपूर्ण घटना और इन्फॉर्मेशन से आपको रूबरू कराया जाए। आज के एपिसोड में हम लहसुन के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों लहसुन जिसमें चीन का वर्चस्व है, लगभग 75% पैदावार पूरे विश्व की चीन में होती है और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राष्ट्र भारत माना जाता है। कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों के मामले में चीन अव्वल नंबर पर है और भारत का स्थान दूसरा आता है। जानिए निर्यात की महत्वपूर्ण खबरें, क्या गुजरात और दूसरे राज्यों से लहसुन की क्या ताज़ा अपडेट है, जानिए विस्तार से। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि मात्र 3,000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, जिसमें कमोडिटी बाजार की लेटेस्ट अपडेट और विश्लेषण आपको उपलब्ध होगा। साथ साथ विभिन्न मंडियों के तिलन दलहन मसाला अनाज के ताज़ा भाव हर रोज अपडेट व्हाट्सएप पर होंगे। संपर्क कीजिए अखबार साप्ताहिक अखबार और विशेष विश्लेषण रिपोर्ट्स के लिए। दोस्तों लहसुन का बाजार 4.39 बिलियन डॉलर तक का होने का अनुमान है साल 2028 तक। और यदि हम टेक्निकल भाषा में जाने तो लहसुन का CAGR यानी कंपाउंड एवरेज ग्रोथ रेट लगभग 4% से ऊपर है 2023 से 2028 के बीच। इसका मतलब यही है कि ये एक एक्टिव कमोडिटी रहने की संभावना साल 2028 तक होने की संभावना बन सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा लहसुन का उत्पादक राष्ट्र चीन माना जाता है, जो लगभग 75% लहसुन का उत्पादन करता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राष्ट्र माना जाता है। और यदि हम उत्पादन की बात करें तो जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके मुताबिक लहसुन का उत्पादन साल 2023-24 में 3.7 मिलियन टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साल 2022 में 3.36 मिलियन टन का उत्पादन 2022-23 में हुआ था और साल 2021-22 में देखें तो 3.52 मिलियन टन का उत्पादन के समाचार हैं। और यदि हम भारत में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा लहसुन का उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश राज्य है, जिसमें लगभग 63% से अधिक लहसुन का उत्पादन होता है। गुजरात में और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य 17%, उत्तर प्रदेश में 7% लहसुन का उत्पादन होता है। गुजरात में 3 और पंजाब में भी 3% लहसुन का उत्पादन माना जाता है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश और कश्मीर का भी नंबर अब लहसुन में आने लगा है। जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात करें, अप्रैल से सितंबर 2023-24 में लहसुन का निर्यात 56,823 मैट्रिक टन होने के समाचार हैं मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पहली बार देश में 50,000 मैट्रिक टन से अधिक लहसुन का निर्यात हुआ है। इसका मूल्य लगभग 277 करोड़ रुपये का माना जा रहा है। लहसुन का निर्यात साल 2023-24 में 102% बढ़ गया है और मूल्य में 129% अधिक माना गया है पिछले एक्सपोर्ट के मुकाबले, यानी 277 करोड़। अब मौजूदा हालत की बात कर लेते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम मात्रा में लहसुन का स्टॉक है और इस बार हिमाचल और कश्मीर का लहसुन भी बाजार में आया है। और लहसुन के दाम ऊँचे होने से मांग में अभी कोई बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण चर्चा है। लहसुन में गुजरात से खबर निकल के आ रही है कि इसके दाम 15 से 20 रुपये प्रति किलो बढ़े हैं और अच्छी क्वालिटी वाले लहसुन की कीमत तो लगभग 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक बताई जा रही है। लहसुन की मौजूदा बिक्री यानी सेल कम है और मांग भी कम है क्योंकि ऊंची कीमतों पर खरीदार सीमित हो गए हैं। जहाँ तक गुजरात की बात करें तो जिनके पास लहसुन की स्टॉक है या किसान है, अभी वो बेचने को तैयार नहीं है क्योंकि किसानों को ये उम्मीद है कि पिछले साल की तरह लहसुन 300 रुपये के दाम मिलें तो बेचें, ऐसी भावना है। जब
और गौरतलब है कि लहसुन बाजार में अगर मांग और बढ़ी तो कीमतों में 20 से 25 रुपए की मूवमेंट बनने की संभावना जरूर बन सकती है। इस बार यदि हम गुजरात से कुछ व्यापारियों से बात करने पर पता लग रहा है कि गुजराती लहसुन के अलावा हिमाचल और कश्मीर का लहसुन भी काफ़ी कुछ अच्छा स्टॉक में है, लेकिन हिमाचल के लहसुन के दाम भी लगभग 150 रुपए के आसपास या उससे ऊपर है। लेकिन व्यापारियों का कहना है कि हिमाचल के लहसुन का स्वाद तीखा नहीं है, फीका है, और इस कारण वो गुजरात में या सौराष्ट्र में नहीं चलेगा। जिन लोगों ने इसका स्टॉक कर रखा है उसे वो दक्षिण भारत में ही बेचना चाहते हैं, और मुंबई में भी इसको बिक्री के लिए भेजा गया है, और यही वजह है कि लोकल मार्केट में हिमाचल के लहसुन की स्वाद की वजह से इतनी डिमांड कम है। गौरतलब है कि चीनी लहसुन का भी कुछ बाजार में सुगबगाहट है, और कुछ ये कहा जा रहा है कि अवैध रूप से किसी चीनी को लहसुन आया हुआ है, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में आने की संभावना चीनी लहसुन की है नहीं, क्योंकि इस बार चीन में लहसुन का उत्पादन कम है और वहाँ भाव काफ़ी ऊंचे हैं, तो ऊंचे भाव पर इंपोर्ट करना इतना उचित कम नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी लहसुन के ऊपर ताज़ा अपडेट। आगे की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।